दोस्तों फाइनली बर्थडे के लिए डेकोरेशन हो गया, एकदम मस्त सा सजाए हैं भैया इस बार। मैच तो आ जाएगा जीदू पटवा इनर ला दिए हैं छोटे वाले साहब के लिए। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पर ना बड़ा आनंदमय सा लग रहा है, और आते हुए ये छोटे साहब इनको पहले भर पेट दम लिए, उसके बाद तनिया अच्छा लगा, क्योंकि इनको आने के बाद फिर भी यहीं पे आ गए थे तो इनको हम अच्छा से गोदी भी नहीं टांग पाए थे, इसलिए हमको भी बहुत ललक था कि जाएंगे तो इनको पहले अच्छी तरह से संभालेंगे, देख रेख थोड़ा करेंगे, क्योंकि इनके समय में था ना तो रात भर जगाते थे हमको, 12 11 खन 1 बज जाता था, तो उस समय अभी भी याद आता है सोने के प्रोसेस से लगता था आँख में ऐसा ना कि फूल जाता था, ऐसा हो जाता था हम लोग का। दोनों बहुत यत्न किए हैं, बहुत ज्यादा। और वैसे भी अभी ये मायका में है तो थोड़ा सा हमको भी राहत है, इनको भी राहत है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, दोनों को ही को है। और ये भी मस्ती से यहाँ पर सोया टी खाया जा रहे हैं। आए तो इनको लगा ना कि कहाँ आ गए, थोड़ा सा मम्मी लग रहा था पहचान। पिछला व्लॉग में देखा भी कि जब डुब्बू आए तो घर में सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए, खास करके हमको तो बहुत अच्छा लगा। और आप सभी फरमाइश की बाबू को लेकर आपको बाबू को देखने, आज का व्लॉग ना बेहद खास होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जो है ना इस हॉल को थोड़ा डेकोरेट करने वाले हैं, इसके बाद में आपको दिखाएंगे, और देखो कैसे करेंगे वो सब भी आपको दिखाएंगे, जिसके लिए कुछ सामान है जो कि लाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, ले आते हैं, इसके बाद इसको थोड़ा सा सजाएंगे, इसके बाद मजा आने वाला है। वैसे भी टाइटल थंबनेल देखकर तो आपने यकीन कर लिए होंगे कि क्या होने वाला है। अभी दौड़ के आ गए मेरे पास, देख रहे हैं कि अब बेबी गोदी में है तो पापा खाली कैसे रह सकते हैं। तो अभी छोटे सरकार हमारे सो गए हैं, तुमको सुना के आए हैं, वो तंग भी नहीं कर रही थी, ये तंग कर रहे थे, ऐसे लिया मोल लिया, तुमको पता है ना कौन कैसा क्या किया। हम तो पूरा छोटे वाला बेबी का तो अनुभव नहीं ले पाए। चलिए, बहुत बहुत मस्ती किए हैं और डूब बहुत मिस कर देखिए मामी जी क्या कर रहे हैं, है ना बेटा, देखिए हुला कर रहे हैं, जाइए जाइए मामी पास जाइए जाइए, नहीं नहीं जाइए पापा जी, लीजिए बोलो लो बेटा लीजिए, हमको जाने ही नहीं दे रहा है, हमको जाना है बाहर, अरे जाने ही नहीं दे रहा है। और मम्मी यहाँ पे खड़ी है, गोदी लेने के लिए तब वो ही नहीं सुन रहा है। सिर पापा पापा का भक्त है माँ, पापा का भक्त हो गया बेटा मेरा। छोटे वाले साहब के लिए आया टोपी ही बन कर, मम्मी बनवाई है, कितना अच्छा लग रहा है। गुस्सा कर रहे हैं, बिलाई बन रहे हो तुम तो, कहाँ पहचानेंगे तुम सर? कोई डर रहा है, बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है, बहुत ही अच्छा है। और आप सबने तो मुझे बहुत कुछ सुना दिया था, जब हम भाभी को अपने एनिवर्सरी में, मतलब भाभी के एनिवर्सरी में कुछ गिफ्ट किए थे, तो आप क्या क्या बोलते हैं, दुपट्टा नहीं दिए हो, पैजामा नहीं दिए, मतलब सुना दिए हैं जैसा मेरा पसंद था जो भाभी को नहीं दिए थे, और उसी ड्रेस को लाए हुए हैं जो दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि दूसरा, तो हम अपने पसंद से जाके पहले ही ऑर्डर दे चुके थे, तो ऐसा नहीं है हम लोग आधा तो क्यों देंगे। किचन में कुछ बन रहा है अभी, देखते हैं क्या क्या बना रहे हैं सब लोग। अच्छा अभी इसमें हाथ नहीं जलेगा, जलेगा करने वाला, वो तो सिस्टम है।
सी किस डर रहे आप? नहीं 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 डरिए मत डरिए, चल रे बेटा जा नानी को भी चल जा। नहीं 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 आपके पास नहीं ले जा रहा है। ये क्या बना रहे भाभी जी? सत्तू कर रहे हैं कचौड़ी बनाने के लिए। कचौड़ी चलिए सब लोग किचन में कुछ खाना बना रहे हैं और हम लोग थोड़ा सा बाहर में बैठ रहे हैं क्योंकि हमारे डुगू साहब को अंदर नहीं रहना है। सब दिन सूर्य की लाइट में रहे हैं ना, तो इनको अंदर अंधेरा अंधेरा बल्ब का लाइट लग रहा है, इसीलिए सिर्फ बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा बाहर है, मौसम का आनंद ले रहे थोड़ा। बाबू अभी गोदी में है, पापा की गोदी में, क्योंकि सीटी बज रहा था इसलिए इनको रोना आ रहा था। वहां से जो कुछ घाटा हुआ था हम करने के लिए आए हैं। ऐसे यहाँ पे था लेकिन अब आपका मन है शौक तो अच्छी बात है। किसमें रखे हैं जी? इसमें है, वहाँ झोला लाए हैं जी, झोला एक वहाँ झोला भी रखे हैं आप। तो झोलवा में शायद होगा ही है बाबू, हम छोटे साहब के लिए भी कुछ ले आए हैं क्योंकि इनके लिए था पहले लेकिन कम था और इनका यूज अभी ज्यादा हुआ है ठंडा में, जिसके वजह से हम अधिक मात्रा। बेटा आपको आंख में लग जाएगी, आप खाए उसी हाथ से आंख निकल। ये टोपी लाए हैं किसके लिए? जिसको पसंद आ जाए, भाभी को या फिर रूबी को। चलिए अब पूछिए भाभी, बाट रही भाभी से बड़ा पूछ पूछ के बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल सुंदर है, इधर देखिए ढेर सारा डाइपर हम ले आए पूरा एक थैला भर के। तो ये पूरा पैकेट है, इसमें 5 पीस है ऐसे ऐसे। हाँ बाबू का यूज यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन हम वास ले आए हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है डाइपर। और इसमें रहा जो कुछ है आप खुद दिखा दीजिए अभी क्या क्या है, देखते हैं। देखिए भाभी पर हर एक कपड़ा ना जचता है। सूरत के माई कुछ ना कुछ टोन मारते रहते हैं, ठीक लगता है सबको पहन के, पहन के देखे कितना खूबसूरत लगता है। कान ढकल रहेगा उससे, ये ऊपर वाला ले रहे थे चुन्नी वाला, इतना बड़ा बोला बच्चा लोग ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग बहुत अच्छा, आप कौन सा लगते हैं? लेकिन इसका कलर ही ऐसा है ना, किसी पर भी जचेगा भाभी। भाभी को कुछ भाभी वैसा उस लाइक है हम नहीं है तो अच्छा बाबू के लिए इनर ला दिए हैं छोटे वाले साहब के लिए, ठीक है। बटन वाला अलग अलग कलर का है। हाँ बटन वाला ठीक है, ठीक है, हो जाता है। बड़ा नहीं होगा? नहीं नहीं ठीक है, अच्छा ठीक है। अब वाले बाबा बहुत भुगाली मिला, कीमती चीज मिला। मैच तो आ जाएगा जिदू पटवा, तो वही आप लोग जो फोटो भेजे थे ना, रूबी भेजी थी, उसी का देख के हम लाए हैं। एकदम शॉल जैसा है, स्टॉल जैसा, सॉरी नहीं दुपट्टा है लेकिन स्टॉल जैसा है। आप इसको स्टॉल जैसा बाहर में यूज भी कर सकते हैं, 2-in-1 है। बहुत सुंदर है, ये तो पूरा काफी और गोरे हो जाएंगे।
ठीक है, सॉफ्ट है ये, अलग अच्छा लग रहा है। दोनों सुंदर है। हाँ, हाँ, है ना जी? मम्मी बाप रे एकदम ये फैशन वाला है। अच्छा कोई दूसरा टीका क्या बहुत ज्यादा हमको बोल दिए थे बाबा कि हम नहीं दिए हैं, ऐसा नहीं था, हम पहले ही बोले यहाँ ढंग का नहीं मिल पाया था। और भाभी को उस टाइप का दुपट्टा बहुत अच्छा है, दुपट्टा बहुत खूबसूरत है जी। जी आप अपनी अमानत अपने पास रखिए मैडम। चलिए और कुछ भी लाए हैं? और कुछ बाबू रहा कुछ कुछ हाँ। अच्छा लेके अब खोल दे, छोड़ दो बोले। अभी लग रहा भैया है इनको हमारा ही गोदी दिख रहा है, इना की नानी गोदी जाके रह क्या क्या आ चुके हैं फिर से, जल्दी जल्दी बुलाया जा रहा है। तो इधर कुछ बैलून चेंज कर दिए हैं, मिक्स करेंगे, और कुछ लाए हैं पैम्फलेट जो कि अभी लगाएंगे। और ये रहा ये सब, नहीं 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 भाभी उसको भी नहीं डाले जी, नहीं हाँ नहीं नहीं मत डालिए, जो जैसा बना तो डाल थे ना वैसा ही कीजिएगा ठीक। इधर भाभी भी तैयारी कर रहे हैं खाना का, यहाँ पे हटा रहे हैं। इधर एक लरी लगा हुआ है और यहाँ पे भैया के हाथ में है, अभी यहाँ पे सजेगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। वो पहले वाला पैम्पलेट जितना था सारा हटा दिए, क्योंकि अब जो पैम्पलेट आया है वो अलग आया है कलर का, दुल्हा जी का मोर जैसा लग रहा है जो आगे रहता था। निकल ही आए हैं तो शॉर्ट पैंट लेने के लिए, यहाँ पर सिर्फ बदमाशी किए जा रहे हैं। हाँ ये सब ना, लेकिन हाफ नहीं फुल चाहिए ना, फुल नहीं हाफ नहीं, पैंट भी हाफ है ना, ये फुल शर्ट है ना, फुल नीचे नीचे गिर गया। दोस्तों आ गए दो साहब के लिए, जो हमारा पसंद था बहुत ही, सोच रहे थे कि लेंगे, ले नहीं पाए हम रांची में, तो फिर आके हम नहीं, अब रुपी देखेंगे पता नहीं उनको पसंद आ गया तब ना। आप उनको बोले पसंद का है, आपको पसंद है तो अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता आपको पसंद ना आए तो। नहीं ऐसा नहीं है, आपका पसंद अच्छा लग रहा है, सब नहीं है ना, पसंद कर रही है, अच्छा लग रहा है नहीं गलो। हाँ तो मेरी को थोड़ा बड़ा लगता है ना, सजावट स्टार्ट ही हुई है, सिर्फ अभी इस पाइप में लगा हुआ है गुब्बारा। सबसे अच्छा हमको ये लग रहा है हैप्पी बर्थडे वाला, जो पीछे थोड़ा चमचमाता हुआ लगा है ना सितारा टाइप, उसके ऊपर में लिखा हुआ है शो, इस गुब्बारा का लुक अच्छा लग रहा है सबसे अलग, वो भी अच्छा ही लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है ना अलग डिजाइन हो गया, इसके पहले भी ऐसा गुब्बारा इस टाइप में लगे हुए थे ना, उससे कुछ अलग हो गया। अभी लड़ाई होने वाला है, लड़ाई कहाँ लड़ाई होगा, कहाँ लड़ाई तो मारूंगी, दोस्तों फाइनली बर्थडे के लिए डेकोरेशन हो गया, एकदम मस्त सा सजाए हैं भैया इस बार,
पिछला बार ठग दिए थे, इस बार ठगने का मौका नहीं दिया हुआ है। पिछला बार इसलिए ठगा गए थे ना क्योंकि जस्ट भैया का तुरंत शादी था और 3 दिन बाद तुम बाबू का बर्थडे था, इतना सारा तैयारी करना पड़ेगा था ना पिछले बार, तो मूड नहीं किया किसी का। और भाभी को भी उसी दिन जाना था मायके पंप तेरा के लिए, तो इसलिए नहीं हो पाया। तो आज जो है जो बच्चा कुचा कसर था इस बार सारा भैया निकाल दिया। ये रहा बर्थडे बॉय का क्लोथ जो कि क्या हुआ दिखा दीजिए। आप सब लोगों का सस्पेंशन है ये, किसने है क्या, और बाबू को ये पहनाएंगे बर्थडे के दिन, तो भी ओपन नहीं होता है। बर्थडे बॉय का है ना इसलिए बोल रहे नहीं, बर्थडे बॉय का हम नहीं दिखा सकते, बाकी सब कुछ दिखा देंगे लेकिन ये नहीं दिखाएंगे। बाबू के लिए, भाभी के लिए, मेरे लिए, तो अब जरूरी नहीं है कि सब एक ही बार ही ओपन कर दे, तो बस डेकोरेशन सजावट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब जो है अरे वाह इनका काम छूट रहा है, बाबू ने मम्मी का तुलाब खोल रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जितना हो सके फैमिली फ्रेंड्स भी जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।